चंदोली जमीनी विवाद में दबंगों द्वारा दलित परिवार के साथ मारपीट और दलित की झोपड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दबंग लाठी डंडों से दिखाई दे रहे हैं, साथ महिला संघ बदतमीजी और मारपीट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वीडियो में दलित परिवार की झोपड़ी जलती दिख रही है। वायरल वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में बथरा गांव में किसी विवाद को लेकर दलित और छत्री समाज के हाथापाई हो गई। छत्री समाज के एक युवक जिसके बाद आक्रोशित दबंगों की संख्या होकर दलित के घर जा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इसके साथ मौके पर मौजूद महिलाओं की वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। जानकारी के अनुसार मामला पर दबाव बनाकर समझौता करा दिया गया। हालांकि शुक्रवार को जब आगजनी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया और अपर पुलिस अधीक्षक को जाँच का आदेश दे दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक ग्राम बरथरा थाना चंदौली का मामला है। बैजंती देवी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि मेड़ पर आने जाने के विवाद को लेकर के उसके बेटे को और उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया है और उसके घर में मड़ही में आग लगा दी गई है। उसने बिट्टू सिंह आदि छह लोगों के विरुद्ध नामजद प्रार्थना पत्र दिया है। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चंदौली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनमें से नितेश, रोहित, आनंद, अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी।